है दोस्तों, वेलकम टू ARKV ई व्हीकल। आज की बाइक मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अल्टोस का बाइक, इलेक्ट्रिकल बाइक है और उसका मॉडल है क्राउन। तो देखते हैं, चलिए आज क्राउन के क्या क्या फीचर्स है और क्या एडवांटेज है और इसका वारंटी गारंटी क्या है, चलो देखते हैं। तो यह है अल्टोस का बाइक और क्राउन मॉडल है। ये क्राउन मॉडल है, देख सकते हैं गाड़ी की लुकिंग। लुक कैसा है और दिखने में बहुत ही सिंपल दिख रहा है, ज़्यादा कुछ खासियत दिया नहीं, फिर भी गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी दिख रही है, लुकिंग कलर वाइज। और प्लस बैटरी की कैपेसिटी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है तो है 60 वोल्टेज 60 AH का, तो मतलब तकरीबन 150 किलोमीटर तो जाएगा। और वारंटी बैटरी का जहाँ तक बात किया जाए तो बैटरी 3 साल का वारंटी, मतलब 2+1 2 साल गारंटी, 1+1 ईयर वारंटी, तो अच्छी बात है। मतलब बैटरी का काफ़ी ख्याल रखा गया, मुझे अच्छा भी लगा है क्योंकि कैपेसिटी अच्छा दिया है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है बैटरी में, तो मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल लुक देखिए कि कैसे चल रहा है। यह तो पासिंग गाड़ी है, मतलब नंबर प्लेट आता है इसको और रजिस्ट्रेशन भी कराना है और इंश्योरेंस भी आपको आता है। इंश्योरेंस की बात करें तो वन ईयर का आता है इंश्योरेंस का वैलिडिटी। और क्या खास बात है देखते हैं, और क्या खासियत है देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है चार्जिंग का पॉइंट, कितना पॉइंट है पता चल, और ये तो पता ही है स्पीड और किलोमीटर कितना घुमा है। और यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि मैं 738 किलोमीटर नियर बाई चलाया हूँ, और चलाने में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि बहुत ही स्मूथ गाड़ी है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, और सिंगल हैंड से चला सकते हैं। और जहाँ तक ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक भी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है ब्रेक। और जहाँ तक मुझे हेडलाइट भी नॉर्मल दिया, लेकिन फोकसिंग अच्छी है। एक्चुअली देना हेडलाइट की बात किया जाए तो हेडलाइट देना था एक्चुअली, क्या बोलते हैं, हेडलाइट LED देना था, अभी थोड़ा बढ़िया रहता तो और थोड़ा अपडेट करना है। फिर भी चलो शुरुआती मॉडल ऐसे निकाले, फिर भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ देख सकते हैं रेड कलर का काफ़ी लुकिंग दिख रहा है मुझे, मार्केट में जो लोग चाहते हैं कलर थोड़ा ब्राइट तो अच्छे दिख रहा है। यहाँ तक देख सकते हैं, अपडेट करने वाले हैं क्योंकि इसमें कॉम्बी ब्रेक लगाने वाला है, फ़िलहाल तो नहीं लगाया, फिर भी इन फ्यूचर लगाने का प्लानिंग है इनका। तो इधर मैनुअली मीटर केबल लगाए, स्पीड मीटर केबल, और ये ब्रेक तो पता ही है। पर यह मुझे सबसे अच्छा लगा कि यह इसका हेडलाइट का स्विच काफ़ी लंबा दिया, अच्छा दिया है। और यह हाई बीम लो बीम, ये तो पासिंग का है, हॉर्न नॉर्मली चलता है। और जहाँ तक बैटरी है, यहाँ अंदर रहता है, शायद आपको दिख नहीं रहा, यहाँ रहता बैटरी। तो यह है बैटरी का वायर, और अब बताना चाहता हूँ कि चार्जिंग से ये चार्जर है, यहाँ चार्जिंग पे यहाँ लगा के चार्जिंग कर सकते हैं अपन। और ओवरऑल मोटर का कैपेसिटी है 1500 वाल्ट का, मतलब 1500 वाल्ट का है, तो काफ़ी अच्छा चलेगा। और मोटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पावरफुल दिख रहा है। मैंने खुद ने चलाया कि 75 तक स्पीड चलाया हूँ मैं हाई स्पीड में, क्योंकि इससे ज़्यादा चल सकती है कि ट्राई करना है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग नहीं है इसलिए मैं नहीं चला पाया, और एक बार चार्जिंग लगा के फिर मैं चलाने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए कि ये गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा आपको, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए,
काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह भी बढ़ेगा, आपका भी, आपका जाने वाला आपका भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता रहेगा, मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।